हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.2। हाँ जी बेटा, प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास टू डू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस क्वेश्चन के। व्हाट इज गिवन इन द फिगर 6.17 फर्स्ट पार्ट? इट इज गिवन टू यू ट्रायंगल एबीसी। हाँ जी, डी ई 1.5, 3, 1 एंड दिस इज नॉट मेंशन, दे राइट देयर इन द फिगर 1 एंड 2 जो है डीई पैरेलल टू बीसी। व्हेनेवर इन अ ट्रायंगल वन लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड, आपके दिमाग में उसी टाइम पे बीपीटी थ्योरम स्ट्राइक करनी चाहिए। और मैंने कल भी बताया था, इफ दिस इज पैरेलल टू दिस दैट मींस बाय बीपीटी एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। एडी कितना है? 1.5, डीबी 3, एई 1 और ईसी हमें निकालना है तो वो एक्स है। ओके, तो मेरे पास जो है एक्स कितना आ जाएगा? 3/1.5। सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। एक्स ऊपर गया, 3 इधर, 1.5। ओके जी, जितनी भी वैल्यू आई। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट मेरे पास देखिए, वेरी इजी, सेम पार्ट है इसी का ही। हाँ जी, मुझे दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है जिसमें मेरे पास ए डी ई बी सी 7.2 और 1.8, 5.4 ये मुझे दिया हुआ है। और मुझे कहा गया बेटा कि कैलकुलेट एडी। हाँ जी, क्लियर कट है, एडी कैलकुलेट करना है इसको। एक्स एक्स ओवर 7.2, 1.8/5.4 और एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास? 7.2 × 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। दक्ष, इसका क्वेश्चन इज ऑलवेज। ओके बेटा, डू द कटिंग एंड गेट योर आंसर। क्लियर? हाँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू। जी बेटा, लेट अस कंटिन्यू बेटा विद द क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास हो गए। इफ यहां पर दिया हुआ है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, देन व्हिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई एफ ओ ए वो पैरेलल टू क्यू आर। अभी मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अगर मैंने ये पैरेलल प्रूफ करवाना है बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी पीई ओवर पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। ओके, अगर ये आता है तो लाइन पैरेलल होगी, अगर ये रेशियो बराबर नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। मेरे पास यहाँ पर पीई पीई ने बेटा That is 3.9. Then PQ, D, P, F, 3.6. और मेरे पास जो है F R 2.4. अब इधर देखिए, मेरे पास जो है
यहाँ पर करे पी क्यू 3.9 बाई 3 1.3 या 13/10 हम ये भी रेशियो लिख सकते हैं। फिर बेटा सी एफ ओवर एफ आर मैंने चेक किया, अभी ये सारा लिख के दिखा रही हूँ, पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी 3.6 by 2.4 बराबर है, that means this line is not parallel to this line. ठीक है बेटा, clear? तो second part अब आप homework की तरह करोगे, third part what is given here? You just see. ये पूरी लिंक है 1.28 और पी आर मुझे इतना दिया हुआ है दैट इज 2.56 और पी ई भी दिया है 0.18 और इधर से पी एफ दिया है 0.36। अगर आपको याद हो तब मैंने आपको बताया था छोटी रेशियो ओवर बड़ी, इतनी बड़ी वो भी पॉसिबल है, वो भी अगर टू है तो ट्रायंगल जो लाइंस आपको क्या होगी पैरेलल होगी, तो मैं सीधा लिखूंगी, मुझे पूरी माइनस करके करने की जरूरत नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं पहले इस वजह से ये माइनस करते हैं और ये निकालते हैं, हाँ पूरे में से ये माइनस करते हैं और ये निकालते हैं, फिर दोनों की रेशियो एक स्टेप बढ़ाया है, तो अगर हम सीधे चेक कर लें पूरी बड़ी रेशियो ओवर छोटी, बस ये याद रखना है अगर इधर से पूरी बड़ी ऊपर की है और ये छोटा वाला पार्ट नीचे लिया है इधर भी बड़े वाला ऊपर और छोटी एंगल का नीचे। ओके बेटा, तो मेरे पास हो गए यहाँ पर इसका आंसर निकाल लो और 2.56 ओवर 0.38 का ये आंसर किया, ये बन गया। कटिंग की भी रेशियो देखिए, अगर रेशियो इक्वल आती है तो साइज पार्टनर है, रेशियो इक्वल नहीं आती तो साइज आर मैक्सिमम स्केलमेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अब यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे दिया हुआ है, तीन फिगर मेरे पास हो गए 6.18 ये फिगर दी हुई है मेरे पास, जैसे बी सी और ये बी ये एम ये एन और ये क्या है एल एंड व्हाट इज रिटन हियर एल एम parallel to BC or LN parallel to CD, this is given to me और उसने मुझे प्रूव करने को कहा है AM over AB is equal to, पेपर में प्रूव करना नहीं आएगा, उसने कहना है अगर ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है then AM by AB parallel to dash, आपने खुद ही निकाला
तो दैट इज ए एम ओवर एम पी किसके इक्वल आ गया ए एम ओवर एम पी हाँ जी हमने मैंने गलत ओके हाँ जी अब देखो मेरे यहाँ पर भी नीचे देखो मेरे पास क्या है ए यहाँ पर क्या है तो मेरे पास यहाँ पर ए बी लेके आने के लिए मैं क्या करूँ एडिंग जब मेरे पास ये आया ए एम ओवर एम बी इज इक्वल एम ओवर एम ध्यान से देखना ये जो चीज ऊपर चाहिए होती है ना उसको पहले डिनोमिनेटर में ले लो अगर आप सीधा एडिंग वन करोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी सीधा वन नहीं ऐड करो कभी भी जो चीज ऊपर चाहिए आप उसको नीचे ले लो इसका कन्वर्स जब मैं कन्वर्स करूंगी एम बी ओवर ए एम एम बी ओवर ए एम आया नहीं पता चला दी बात पहले
ये ग्रंथों की ये सारी टीच के पात्र तो मेरे मैं चाहती हूँ कि आप मैनुअली करके देखो क्योंकि पेपर पे तो मैनुअली करता है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये वाली लाइन इसके पात्र है तो बाय पीपीटी क्या होना चाहिए था बी ओवर डी ए इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ ई बात पता चला। अब ये वाली लाइन इसके पात्र है तो मेरे पास उधर से तो BB over DA is equal to क्या आएगा DE over EC ठीक है। पेपर में ये भी डैश आ सकता है ये भी डैश आ सकता है पेपर में ये भी डैश आ सकता है और ये भी डैश आ सकता है ओके क्लियर बात समझ आई बेटा सबको पता चला कैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चंस हम ऑरली करने की ट्राई कर रहे हैं। मैंने देखा था दिस ओवर दिस दूसरी पेपर पे दिस ओवर दिस दिस ओवर दिस ये कॉमन आ गया उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं df over ft is equal to be over ec orally कर सकते हैं। बात समझ आई क्लियर हुआ सबको ना कॉम्प्लेक्स अभी pp की जीरो भी लगा रहे हैं इसीलिए मैं कोई मतलब यहाँ पर आपको बताने बोल रही हूँ हमने मैं बार बार तेरे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने नोट्स आई विल सेंड जिसमें सारे रीजन सब कुछ लिखा ओके लेट अस गो नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मेरे पास क्या दिया इन अ फिगर ये पी क्यू आर मेरे पास फिगर है मेरे पास जो है यहाँ पर डी पैरेलल टू दिस मैंने ऐसे लाइन लगा फिर डी एफ ये भी है एफ ओ ये लाइन कर दी थी ये अब नेक्स्ट क्या कहा डी एफ ओ आर के पैरेलल मैं ये लाइन आपके लिए लगाती हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरे पास कौन सी लाइन किसके पैरेलल ठीक है। अब बेटा देखिए उसने कहा then show that E F parallel paper में यहाँ dash है। वैसे तो मुझे पता है Q R के आपको figure देख के भी पता लगना चाहिए। अच्छा जरूरी नहीं है वो figure नहीं भी बना सकते कुछ statement में सब कुछ case study में बता दें। एक person भी करे यहाँ से गया उसने rectangle की shape बनाई उसने A point E का side पे F point इस तरह किया और B का such that the DP parallel to OQ है O point जो है वो between the BC है मैं इसी तरह भी case study change कर सकता हूँ समझ गए तो figure को आपने ध्यान से understand करो ठीक है। अब अगर ये इसके pattern है ये triangle होती तो this over this this मैं orally रेफर आपको बार बार कह रही हूँ विदाउट डूइंग द क्वेश्चन हमने कोशिश करनी है आंसर की। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल अब ट्रायंगल कौन सी है इस ओवर दिस दिस बीच में कॉमन आ गई यानी क्या हो गया पैरेलल टू ओ ओवर ई यू इज इक्वल टू अगर रेशियो सेम हो साइज क्या होती है तो दैट मींस एफ इसके पैरेलल है जीरो और यहां क्या आ जाएगा बात समझ आई ठीक है। जबकि ये इजी हो गया क्वेश्चन से आगे कहां हम हर रीजन बच्चों को कहते थे लिखो करो अब तो हम कह रहे हैं शॉर्टकट अप्लाई करो। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए मेरे पास
क्वेश्चन नंबर सिक्स में इन द फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली. अब उसमें मेरे पास दी हुई है एक फिगर में पी क्यू आर ओ दिया हुआ है पॉइंट और मुझे बोला गया है कि ए बी ए बी पैटर्न टू पी क्यू ए सी पैटर्न टू पी आर और उसने कहा है देन शो दैट बी सी इसके पैटर्न. अच्छा कई बार ऐसे भी आ जाता है कि हमने प्रूव करना है कि अगर बी सी पैरेलल टू क्यू आर है तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे. मतलब ऐसे भी पता होना चाहिए ये किसी तरह भी कई क्वेश्चन में जहां फिगर बन सकती है वो तो हम बना सकते हैं वहां पर वो देगा. अगर नहीं फिगर बननी है तो 100% को इंफॉर्मेशन देगा जिससे आप क्वेश्चन की फिगर भी बना सकते. अब मेरे पास ये इसके पैरेलल है तो दैट इज दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस. ये जो है मेरे पास सॉरी आगे एसी ये दिया हुआ है इसके पैरेलल तो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस. ये दोनों में क्या आ गया कॉमन तो दैट इज ओबी ओवर पीक्यू किसके इक्वल है ओबी ओवर OC over CR. So that is my converse of BP. यहाँ पर क्या करना है? By converse. अब यहाँ ऑप्शन पता कैसे होगी? By BP theorem, by converse of BP theorem, by Pythagoras theorem, by ratio of area triangle. So maximum बच्चे BP theorem आ गए. जब ratio D है, parallel की बात करनी है, तो कौन सी चीज़ रहती है? Converse. एक और अगर मैं स्टेटमेंट ऊपर लिख दूं कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द अदर टू लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन then the ratio of the sides are proportional या ratio है तो equal होगा. ठीक है तो the converse of this theorem the converse of above theorem is known as converse of BPD theorem. मतलब ऐसे भी question mold हो सकता है. आपको एक theorem की statement दे दी और उसने पूछा कि इसके कन्वर्स से हम क्या डिटेक्ट करते हैं क्या रिजल्ट निकालते हैं. आपको पता चाहिए उसके कन्वर्स मतलब जो भी चीज होती है. अच्छा क्या पता कन्वर्स से दे देते और उसका उल्टा मान लेते. आपको कन्वर्स से दे दिया कि अगर रेशियो इक्वल है तो साइज पैरेलल है और उसने कहा व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम तो बीपीडी थ्योरम. मतलब बड़े ध्यान से क्वेश्चन को आपने रीड आउट करना है उसका कंक्लूजन निकालना. अब आपका होमवर्क है यू ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. मैं डिस्कस जरूर करूंगी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज तो हम उसके बाद हो गए आपसे क्वेश्चंस कल पूछेंगे. ठीक है टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा.